हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि। तो दोस्तों, आज से मैंने एक नई क्लासेस स्टार्ट करी है जिसका नाम है डिजिटल देवभूमि क्लासेस। डिजिटल देवभूमि क्लासेस के नाम पे मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि आपकी आगामी परीक्षा पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, वन आरक्षी, बंदी रक्षक, आगामी समूह की एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके पास में आपको बेल आइकन मिलेगा, उस पर प्रेस कर ऑल पर टिक कर दें। इससे आपको यह फ़ायदा होगा, जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो यूट्यूब चैनल पर, आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपका काफ़ी सपोर्ट होना चाहिए। फर्स्ट वीडियो है प्रैक्टिस सेट के संबंध में। यदि आपका सपोर्ट मिलता है तो यह सेट जारी रहेगा, और यदि सपोर्ट नहीं मिलता है तो यहाँ पे ही इसे स्किप करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सेट स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य में साक्षर महिलाओं की जो संख्या है कितनी है? साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन चार ऑप्शन है, आप आंसर चूज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 30,67,259 लोग क्या हैं, साक्षर हैं। फीमेल की बात करो तो, यदि बात करें सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, आपको देहरादून याद रखना है। देहरादून की जो साक्षरता है वो 78.54% है। कितना है? 78.54%। और उत्तरकाशी की बात करें तो सबसे न्यूनतम जो है वह उत्तरकाशी का है, उत्तरकाशी के है 62.35%। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा डाटा। बात करें यदि ऑल ओवर की, तो लिटरेसी रेट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, आपको ये भी याद रखना है कि दून में है। उत्तराखंड का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा किसका है? दून का है। इसका है 84.25%। ऑल ओवर इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएगा, आपको याद रखना है। और साथ ही जो US नगर है, जिसे हम उधम सिंह नगर भी कहते हैं, उसका है 73.1%, मतलब 73.1% जो है US नगर का है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कुल साक्षरता परसेंट है, कुल साक्षरता परसेंट है, मेल और फीमेल की बात करें तो कुल मिला के जो साक्षरता है उत्तराखंड की वो है 79.63% है, जिसे मैंने बताया था आपको मेल और फीमेल की कितनी है। उसके साथ ही आपको मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है किसकी कहाँ पे है। और साथ ही इसमें आपको जानना है कि 2011 के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है कि 79.63% इसका क्या है रेशियो है साक्षरता दर में। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि राज्य का साक्षरता की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, साक्षरता की दृष्टि से देश में इसका कौन सा स्थान है आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर होगा 17वां, इसका स्थान है 17वें नंबर पर ये उत्तराखंड स्टेट साक्षरता में है। इसके साथ ही आपको इसका सेक्स रेशियो याद रखना है, सेक्स रेशियो जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, अल्मोड़ा में। सेक्स रेशियो जो सबसे ज़्यादा है अल्मोड़ा में है, और सबसे कम है हरिद्वार में। यहाँ पर कितना है 1139 और इसका है 880। अगला है, उत्तराखंड राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन थे या कौन हैं? इसका राइट आंसर आपको याद होना चाहिए, नित्यानंद स्वामी पहले थे। और साथ ही आपको याद रखना है सुरजीत सिंह बरनाला जो थे राज्यपाल थे, गवर्नर थे पहले, हरिद्वार भी मुख्यमंत्री थे। अगला है, राज्य में कितने डिम्ड विश्वविद्यालय हैं? डिम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 3 है मात्र, 3 जो हैं डिम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे में आते हैं। अगला है, उत्तराखंड राज्य का राष्ट्रीय पशु है, सभी को पता है कस्तूरी मृग है, और इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही इसका जो वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर, इसका वैज्ञानिक नाम है, जो कि दिखाई कहाँ कहाँ देते हैं आपको ये याद रखना है। ये आपको केदारनाथ वाले इलाके में दिखेंगे, फूलों की घाटी में दिखेंगे, और साथ ही उत्तरकाशी में दिखेंगे, पिथौरागढ़ में दिखेंगे, इन वाले इलाकों में दिखेंगे। कितने फीट की ऊंचाई में दिखेंगे आपको याद होना चाहिए, 15,000 फीट की ऊंचाई में ये दिखते हैं,
15,000 फीट में ये आपको दिखेंगे कस्तूरी मृग। तो ये हमारे राज्य पशु है। राज्य में उप तहसीलों की संख्या कितनी है? आपको याद होने से 7 तहसीलें हैं। अगला देखेंगे, अगला है उत्तराखंड राज्य के दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य कौन सा है? बिहार है या फिर उत्तर प्रदेश है या फिर हिमाचल प्रदेश है या फिर राजस्थान है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। दो जिले जो हैं हमारे उत्तराखंड राज्य की सीमा के साथ साझा करते हैं वो आपको याद रखने हैं, हिमाचल प्रदेश HP जो कि उत्तर पूर्व में साझा करता है, और यूपी जो है हमारा दक्षिण में और उत्तर में, दक्षिण और पश्चिम में यह साझा करता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो लगती हैं वो पूर्व और दक्षिण साइड में लगती हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ पर खोला गया है और कहाँ पर स्थित है? आपको इस प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसका राइट आंसर है मंसूरी में, मंसूरी इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अगला है दोस्तों प्रसिद्ध गोचर मेला आरंभ हुआ था, प्रसिद्ध गोचर मेला जो आयोजन हुआ था इसका वो हुआ था 1943 या फिर 42 कहीं पर देखने को मिल सकता है। इसका राइट आंसर है गोचर मेले का आयोजन कब से हुआ था, 1943 और 42 आपको दोनों एग्जाम में देख सकते हैं। उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है? 13 आपको बताई है, 7 इसमें गढ़वाल मंडल से हैं और 6 जो हैं कुमाऊं मंडल से हैं। जो आपका कुमाऊं मंडल है उसके लिए इस मानस खंड प्रयोग किया गया है और साथ ही केदारखंड प्रयोग किसमें, स्कंद पुराण में केदारखंड प्रयोग किया गया है। उत्तर कुरु शब्द जो है उत्तराखंड के लिए कहाँ प्रयोग किया गया है? अत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों पृथक राज्य हेतु गठित पहली राजनीतिक पार्टी है। उत्तराखंड का पृथक यदि पृथक किया गया उस समय पहली राजनीतिक इकाई कौन सी थी, आपको बताना है। इसमें से BJP थी या फिर उत्तराखंड क्रांति दल था या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या समाजवादी पार्टी थी, आपको याद होगा UKD उस समय क्या थी, राजनीतिक पार्टी थी जिसको हम उत्तराखंड क्रांति दल भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पृथक उत्तराखंड हेतु केंद्र को पारित प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था, तो किस पार्टी ने दिया था, आपको याद होना चाहिए। इसका भाजपा सरकार ने दी थी। तो दोस्तों जब उत्तराखंड की मांग हो रही थी तो किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से सर्वप्रथम उत्तराखंड की गठन की घोषणा करी थी, आपको ये पता होना चाहिए। HD देवगौड़ा उस समय क्या थे, इंडियन प्रेसिडेंट जो उस समय थे वो HD देवगौड़ा थे, आपको याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड की गठन की घोषणा कब की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1996 में प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की मांग की घोषणा करी। उसके बाद देखिए जो उस समय राष्ट्रपति थे वो RK नारायण थे। राष्ट्रपति कौन थे उस समय, RK नारायण, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, RK नारायण उस समय कौन थे, राष्ट्रपति थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी थी और कब दी थी आपको ये भी याद होना चाहिए, 28 अगस्त को ये मंजूरी मिली थी 2000 को, ठीक है। और उत्तराखंड का गठन आप जानते ही हैं 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हो गया था। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो 27वां राज्य है उत्तर प्रदेश का, 27वां राज्य का गठन किस रूप में हुआ था, तो उत्तराखंड के रूप में हुआ था। और इसकी जो अस्थाई राजधानी बनाई गई थी वह देहरादून बनाई गई थी, जिसे हम शॉर्ट में दून भी कहते हैं। और साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था, इसका उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब बना, आपको याद होना चाहिए 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड रखा गया। इसके लिए बहुत सारी समितियां बनी। फिलहाल ये इसमें मैं आपको एक आध समितियों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना करी गई 1939 में, जो कि श्रीदेव सुमन ने करी थी। और गढ़देव की स्थापना उन्होंने दिल्ली में करी थी। कहाँ करी थी, दिल्ली में करी थी। और
84 दिन के भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन का 1944 में देहांत हो गया था। 25 जुलाई को याद होना चाहिए, 25 जुलाई 1944 को उनका देहांत हो गया था। अगला देखिएगा, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आपको याद है चंपावत। ठीक है, चंपावत का क्षेत्रफल कितना है आपको ये याद होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल है 1766, मतलब 1766 इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कितना है? वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आपको ये भी याद रखना है कि जो देहरादून का क्षेत्रफल है उसका कितना है, इसका है 3088 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपको याद रखना है उत्तरकाशी का, उत्तरकाशी जो है यह सेकंड नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, इसका जो है 8016 वर्ग किलोमीटर है। टिहरी गढ़वाल की बात करूं दोस्तों, तो टिहरी गढ़वाल की है 3642 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1817 में। उत्तरकाशी की बात करूं तो उत्तरकाशी की स्थापना हुई थी 1960 में। और टिहरी की स्थापना बात करूं, टिहरी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1949 में। इसे तो हर कोई जानता ही है, भले और किसी का याद हुआ ना हो, टिहरी की स्थापना सभी को याद होती है। साथ ही जो चंपावत की स्थापना हुई थी वह 1997 में हुई थी। आपको ये याद रखना है कि जो छोटे छोटे हमारे ज़िले हैं आरसीबी से याद कर सकते हैं, आरसीबी यानी रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, इन तीनों की जो स्थापना हुई है वह राज्य स्थापना हुई है, जिला स्थापना सॉरी, तो 1997 में इनकी स्थापना हुई है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर किया गया, कब हस्ताक्षर किया गया, जो कि राष्ट्रपति उस समय कौन थे, आपको मैंने अभी बताया है ऊपर, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे कौन थे, राष्ट्रपति थे आर के नारायण क्या राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा जो है हस्ताक्षर कब किए गए थे, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो हुआ 2000 में आया था, इस पर हस्ताक्षर करे उन्होंने 28 अगस्त को, कब करे 28 अगस्त 2000 को, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको ये भी याद रखना कि उस समय पीएम कौन थे, एस जी देवगुड़ा, ठीक है, के आर नारायण उस समय क्या थे, प्रेसिडेंट थे, क्लियर है। राज्य स्थापना 9 नवंबर 2000। दोस्तों अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जिले में राज्य वन सेवा महाविद्यालय है? वन सेवा महाविद्यालय अल्मोड़ा में है, हरिद्वार में है, चंपावत में है या फिर देहरादून में है? तो देहरादून में स्थित है वन महाविद्यालय, कहाँ स्थित है, चंपावत में नहीं, कहाँ, देहरादून में स्थित है। और देहरादून की स्थापना मैंने बताई थी आपको 817 इसकी स्थापना थी, और इसकी स्थापना आपको मैंने बताया था चंपावत की स्थापना 1997 में हुई थी। हरिद्वार की स्थापना बतानी बाकी है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और अल्मोड़ा की स्थापना जो हुई थी वो 1891 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल मिला के जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 1,86,282 इसका राइट आंसर है, 1,86,242 इसका राइट आंसर है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको ये जानना है कि उत्तराखंड में जो जनगणना हुई है वो कब हुई है, 2000 उत्तराखंड में जो जनगणना अनुसार बताया जा रहा है। और इसमें आपको और डाटा आपको जानना है जनसंख्या के संबंध में, आपको बताता हूँ कि जनसंख्या 2011 में जो जनसंख्या 2001 में जो जनसंख्या थी उसके सापेक्ष कितना अंतर आया है, कितनी वृद्धि हुई है। साथ ही जो साक्षरता दर की बात करूं, लिंगानुपात की बात करूं और जनसंख्या की बात करूं, तो यदि तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो पाई जाती है आबादी के मामले में उसमें राज्य कौन सा है, आपको ये जानना है। तो सर्वाधिक जो आबादी हुई है वह हरिद्वार में हुई है और रुद्रप्रयाग में सबसे कम हुई है आबादी, ठीक है। साथ ही आपको शिशु जो मृत्यु दर है शिशु की, वह हरिद्वार में सबसे अधिक है और रुद्रप्रयाग में सबसे कम है, तो इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य से लोकसभा के निर्धारित स्थान है, लोकसभा के निर्धारित स्थान कितने हैं, सीटें कितनी हैं, 5 सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं राज्य में। आपको ये याद रखना है कि जो लोकसभा है
उसका वर्णन किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है, और ये जो है संसद का एक पार्ट है। आपको पता है कि संसद के बारे में वर्णन जो है 1979 में इसका वर्णन है संसद के बारे में। और आपको ये जानना जरूरी है कि इसके सबसे उच्च सदन जो होता है वो होता है राज्यसभा। राज्यसभा का इसका वर्णन है 80 में, अनुच्छेद 80 में, और इसका वर्णन है 81 में। क्लियर। उसके बाद संसद बनती है, आपको पता होना चाहिए, लोकसभा से बनती है, राज्यसभा से बनती है, और साथ ही राष्ट्रपति से बनती है। यदि हम राज्य की बात करें तो राज्य में राज्यसभा आएगी, लोकसभा, राज्यसभा आएगी, लोकसभा आएगी, और राज्यपाल आएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड में किस जिले में सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं? आपको याद रखना है, तो जनजातियाँ जो पाई जाती हैं सर्वाधिक वो हैं उधम सिंह नगर जो है, जिसे हम US नगर कहते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जनसंख्या देखने को मिलती है। और इसकी स्थापना आपको बताया था मैंने 1995 में, इसकी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उत्तराखंड में, तो यहाँ पर क्या बात है, जौनसारी पाई जाती हैं, जौनसारी, और साथ ही आपको याद रखना है थारू याद रखना है, और साथ ही आपको भोटिया याद रखना है, भोटिया के बाद बोक्सा याद रखना है, बोक्सा और राजी याद रखना है। पांच यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये आ सकता है कि जो जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी जनजाति जो हैं, उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दर्जा दिया गया है 1967 में, 1967 में ये दिया गया है। आपको याद होना चाहिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, क्रम में पूछा जाएगा, तो आपको याद आना चाहिए थारू की जनसंख्या करीबन 51,000 के समथिंग है, और जौनसारी सेकंड नंबर पर आता है। सबसे पहले जौनसारी फर्स्ट नंबर पर था, अब थारू चला गया है आगे, और इसका है 88,000। उसके बाद बुक्सा है, बुक्सा के बाद आता है भोटिया, भोटिया के बाद आता है राजी। ठीक है, ये क्रम आप याद रख लीजिए, कैसे, थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया, राजी। क्लियर। अब याद रखिए कि जो अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 2011 के अकॉर्डिंग, तो ये थी 291,903। ठीक है, 2.9% यह जनसंख्या थी उत्तराखंड के सापेक्ष। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात यदि पूछा जाए तो 963 आपको राइट आंसर करना है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस जनजाति के संबंध में। फिलहाल इतना ही, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि डेमो क्लासेस है, इसमें यदि आपका सही रिस्पॉन्स मिलता है तो नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो लास्ट में आते हैं, लास्ट जो होगा हमारा। तो दोस्तों, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज का, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति रहने का गौरव मिला किसको मिला है? ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर है एम डी उपाध्याय। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? बाई चांस एग्जाम पूछा जाता है तो 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। 1973 में आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी थी उसकी भी स्थापना करी गई थी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है, और अगली डे आपको इसी प्रकार से कंटिन्यू क्लास मिलेगी यदि आपका इसमें सही रिस्पांस मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।